छतरपुर जनपद में आईजी अनिल शर्मा ने किया एसपी ऑफिस का निरीक्षण। इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीआईजी विवेक राज सिंह, एसपी सचिन शर्मा, एएसपी के साथ किया एसपी ऑफिस का निरीक्षण। आईजी अनिल शर्मा ने कहा कि बड़ा मलहरा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। भू माफिया, रेत माफिया, लुटेरों, बदमाशों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। ज़िले के आधा दर्जन थानों का भ्रमण भी किया गया है। थाने और एसपी ऑफिस का रिकॉर्ड भी जांचा गया है। देखिए, ज़िले का वार्षिक निरीक्षण आज से शुरू किया था, तो आज एसपी ऑफिस का एक औपचारिक भ्रमण किया था। और इसके अलावा ज़िले में दो अनुभागों में भी मैं कल से दौरा कर रहा था। सामान्य निर्देश जो हमारे पुलिस के होते हैं वो सबको हमने दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अभी चुनाव भी हो रहा है, चुनाव की तैयारियाँ के संबंध में भी थोड़ी चर्चा की। इसके अलावा नवदुर्गा का उत्सव चल रहा है, तो नवदुर्गा के उत्सव में भी क्या क्या तैयारियाँ होना है, क्या क्या विसर्जन को लेकर तैयारियाँ होना है, इन संबंध में भी चर्चा की। फिर आपने देखा कि अभी उज्जैन में कुछ जहरीली शराब के घटना हुई है, उसको लेकर के भी यहाँ सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को जागृत किया है कि इस तरह का जो देसी शराब है, कच्ची शराब है, स्प्रिट से बनाई जाने वाली शराब है, उनको चेक करें, मेडिकल स्टोर्स को भी चेक करें, जिससे कि स्प्रिट कहीं दूसरे उपयोग में तो नहीं ली जा रही है, इस बात की जाँच करें। ऐसे बहुत सारे निर्देश हैं जो अभी हम लोगों ने चर्चा की। चुनाव सर शांति तरीके से संपन्न हो, इसके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं? चुनाव के निर्देश तो पुलिस मुख्यालय, चुनाव मुख्यालय से आते हैं। सुरक्षा संबंधी पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे, ये बात रहती है चुनाव की। यह नामांकन के दौरान सर आचार संहिता का उल्लंघन किया, 6 लोगों को अंदर जाने दिया पुलिस ने, 600 लोगों को, हालांकि 2 लोग अंदर नामांकन भरने जा सकते हैं। अब उस संबंध में तो मेरे को जानकारी नहीं है, जो भी उसके संबंध में कार्रवाई होनी होती होगी वो होगी या हुई होगी। ठीक है।